नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जोधपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं सुपर हीरो जो हैं वो पुलिस के जो हैं वो नहीं है धर्मेंद्र यादव। ये जो है वो नाम देने का या उपमा देने का जो मेन मकसद है चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचना, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करना और कॉम्बिनेशन ऑफ प्यार, समझाइश और शक्ति की इन तीनों का वर्टिकल जो कॉम्बिनेशन है वो डीसीपी धर्मेंद्र यादव में दिखता है। जहाँ समझाइश की जरूरत है वहाँ समझाइश से काम चलता है, क्योंकि पुलिस का काम है लोगों को समझाना भी और जो गलत कर रहे हैं उनके साथ सख्ती भी करना। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनका जो है सही कॉम्बिनेशन जो लेके चल रहे हैं। सर वापस पुराना जो समय था, एक साल पहले हमने आपसे इंटरव्यू लिया था और सड़कों पर अभी हालात वैसे ही हो रहे हैं, शहर में हालात वैसे ही हो रहे हैं और सरकार अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की, मगर कंट्रोल होती नज़र नहीं आती। और जहां लगातार जो खबरें आई हैं वो खबरें चिंताजनक हैं। जो आंकड़े बढ़े हैं, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, नंबर्स में जाऊँगा नहीं कि 31 मौत हुई है या उससे ज़्यादा हुई है, कम हुई है, या संख्या जो है जो भी संख्या बोलेंगे वो निराशाजनक है कि उस पर कमी नहीं हो रही है। और कोविड की दोनों डोज लेने के बाद दिल्ली में, यूपी में डॉक्टर्स पॉजिटिव निकले, ये कंसर्न है कि दोनों डोज लेने के बाद भी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं और लगातार आंकड़े बढ़े जा रहे हैं। तो अब जो सेफ्टी मेजर्स हैं वही मेरे ख्याल में ऑप्शन रह गया और सरकार ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन की जो घोषणा करी है, और क्या कैसे देखते हैं सर, क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, अभी नई जो गाइडलाइंस है उसमें क्या रहा है? बेसिकली पहले नाइट कर्फ्यू प्लान था जिसमें टाइम कम किया गया था, बट उसके बाद फिर फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक का एक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, जिसको लेकर जगह जगह हमने नाके लगाए हैं। लगभग 63 नाके हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो 24 घंटे काम करेंगे 3 शिफ्टों में, और 750 पर्सनल का डिप्लॉयमेंट। आप जैसा कह रहे हैं कि समय आ गया है वापस से सख्ती का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना का, आपने वैक्सीन की बात उठाई, वैक्सीन आने के बाद भी हमें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़रूरत ये है कि हम लोग जो प्रोटोकॉल्स पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी पूरी तरह से पालना करने की। बदलाव में 2-3 चीज़ें जो मुख्य जानना चाहेंगे, पहली बात है जो यहाँ से जोधपुर से बाहर निकल रहा है या बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो जो यातायात के विभिन्न साधन है जिसमें अपने पास में भाई पर्सनल ट्रैवल वो करता है, पर्सनल कार से ट्रैवल करता है, भाई जीप से किसी ट्रैवल करता है, पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, उनके लिए गाइडलाइंस में क्या चेंजेस? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, रेलवे स्टेशन, ये अभी चालू है, जब कोई भी व्यक्ति किसी ज़रूरी कारण से जा रहा है तो वो अलाउड है। बस यात्रा का टिकट उन्हें साथ में रखने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं आपके माध्यम से यह अपील करूँगा कि ज़रूरी नहीं है तो ना ही ट्रैवल करें वो भी। और कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसके लिए RT-PCR टेस्ट जो मैंडेटरी है उसकी भी पालना करनी चाहिए। जहाँ सबकी सेफ्टी की बात चल रही है तो एक बात करेंगे पुलिस की सेफ्टी की, क्योंकि जो लोग भी आज डॉक्टर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए और लगातार जो लोग उनके संपर्क में थे तो पुलिस भी आज चौराहे से लेकर के सज्जे रहते हैं, तो कनेक्शन तो लोगों से रहता है। आने वाले जो कोई हॉस्पिटल से आ रहे हैं हो सकता है कि वो कोई ना कोई कोविड का जो है वो इन्फेक्शन लेके ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोगों को उनको रोकना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तो पुलिस सेफ्टी के लिए जो है जो इम्पोर्टेंट है और आज फ्रंट लाइन में आकर के आप हर जगह खड़े हैं और सुबह से शाम तक काम चल रहा है, तो उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेजर जो है अभी कुछ आपने लोगों ने अभी कई जगह पूरा चल रहा है, क्या क्या मेजर जो है वो पुलिस सेफ्टी के लिए लिए जा रहे हैं? सबसे पहला तो है कि मास्क का यूज करने की ब्रीफिंग है सबको, साथ में जहाँ पे हमारे पास पानी का सोर्स अवेलेबल है हम लोग साबुन रखते हुए ताकि रेगुलर साबुन से हाथ धोते रहें, और जहाँ नहीं है पानी का सोर्स वहाँ सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा गर्मी का मौसम है, धूप भी तेज है, तो उनके शेड्स के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, किस तरह का बड़ा अम्ब्रेला या ऊपर कनात टाइप लगा के ये, और डिहाइड्रेशन के लिए रेगुलर पानी पीना और ग्लूकोज वगैरह रखने की भी हिदायत।
अभी कुछ जगह जैसे अभी जो है सब्जी मंडी से लेकर के वहाँ तक भी अभी लोग निकले हैं, हालांकि पहले से बहुत बदलाव है और लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी किया और लोग सेफ्टी को मेजर फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुछ चेकिंग ऐसी चल रही है कि स्पेशल चेकिंग ऐसी जो लोकेशंस है जैसे बस स्टैंड हो गए या रेलवे स्टेशन हो गए या जो है सब्जी मंडी वगैरह, उसके लिए स्पेशली कुछ प्लान करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 63 पॉइंट्स पे डिप्लॉयमेंट है, उनमें से वो स्थान भी कवर किए गए हैं और रेगुलर हमारा कैमरे से भी सर्वेलेंस है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग अभय कमांड एंड कंट्रोल के कैमरे से सर्वेलेंस रख रहे हैं, कहीं अगर भीड़ दिखती है तो तुरंत जो हमारा सर्वेलेंस रूम है वो अलर्ट करता है ग्राउंड पे पुलिस को कि यहाँ पे भीड़ है, यहाँ कार्रवाई करें। कोई व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसने मास्क नहीं पहन रहा था, उसके मोटरसाइकिल का नंबर लेकर हम लोग उसके घर पे ई चालान भेज रहे हैं, और अगर फोटो आ रहा है तो फोटो भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जो बीट कॉन्स्टेबल्स के बने हुए हैं उसमें सर्कुलेट करके उस आदमी को आइडेंटिफाई करके उसका चालान काट रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, सादा वस्त्रों में भी पुलिस डिप्लॉयड है, कैमरे से भी सर्वेलेंस हो रहा है और ग्राउंड पे तो नाके नहीं होता। देखिए हमारे साथ डीसीपी धर्मेंद्र यादव हैं और आज हम बात करना चाहेंगे जैसे क्रिकेट टीम के अंदर अगर मेन खिलाड़ी होता है कि अपने लेवल पे जैसे मान लो डीसीपी धर्मेंद्र यादव अगर एज एन सचिन तेंदुलकर की तरह काम कर रहे हैं और सब जगह अपने लेवल अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उस लेवल पे बाकी टीम भी अगर परफॉर्म करेगी अपने लेवल पे काम करेगी, विभिन्न अधिकारी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, मगर जहां सर ने निवेदन किया कि पहली चीज है जो सेल्फ जो है वो आप अपने इनिशिएटिव लें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी जो है वो ये सारी चीज पॉसिबल है कि संक्रमण से जो है रक्षा हो पाएगी और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो भी निर्देश दिए गए उन निर्देशों की पालना करें। और आज जैसे एक सुबह एक घटना देखी थी, एक कोई HDFC बैंक की महिला थी जिन्होंने पुलिस के साथ में बार बार गाड़ी रोकने पे भी जो है वो रुकी नहीं, उसके बाद में मास्क नहीं पहना हुआ था और मीडिया से भी उन्होंने जो है वो बदसलूकी करी, गलत बात बोली। और अगर आप पुलिस कोऑपरेट करें, पुलिस कोई चीज मार रही है, चलान मार रही है, अगर आपने कोई गलती किया था मान के बाद 100 रुपए 200 500 रुपए के आपको एक फीलिंग होनी चाहिए सेल्फ एज एन, अगर अपन मानते हैं कि अच्छे देशवासी बनना है, राष्ट्रभक्ति दिखाने का जो मौका होता है कि आप अगर कैसा बिहेवियर आपका कैसा होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अपना बिहेवियर आप रखें, पुलिस के जितने भी लोग तैनात हैं या जो सरकारी अधिकारी तैनात हैं उनसे आप बिहेवियर सही रखें, क्योंकि अगर 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में कोई अगर सड़क पे खड़े हैं और आपको रोक रहे हैं किसी कारण से रोके, इंस्ट्रक्शन दिए हैं सरकार के, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, सीनियर के इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो कर रहे हैं और ये सब जो भी चीज हो रहा है पुलिस तैनात है, डॉक्टर्स तैनात है, वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। नमस्ते राजस्थान में इंटरव्यू और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। जोधपुर में बनाए हैं, ईस्ट में होंगे, जोधपुर ईस्ट में लगभग 60 से अधिक नाके जो है विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं और ये नाके 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं और 24 घंटे डिप्लॉयमेंट रहेगा और इसके लिए लगभग 750 का फोर्स टोटल डिप्लॉयड है। जगह जगह अधिकारी सीनियर ऑफिसर्स राउंड ले रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं और जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई हो रही है और व्हीकल की सीज की जा रही है। सर जोधपुर के कई गलियों के अंदर भी लोग हैं जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, मुख्य सड़कों पर दिखाई दे रही है, कई गलियों में लोग बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। जहाँ तक आवागमन का सवाल है, इसके आने और जाने पे इसमें वीकेंड लॉकडाउन में रोक है। अगर कोई आवश्यक सामग्री के लिए गली में कोई दवा लेने के लिए या दूध लेने के लिए निकला है तो वो अलाउड है। मेन इसमें जो वीकेंड लॉकडाउन है इसमें मुख्य सड़कों या एक जगह से दूसरे जगह जो आप व्हीलर या मोटर व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसके प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि जो भी छूट है उसका अनावश्यक इस्तेमाल ना करें, घर में रहें और पुलिस द्वारा भी मोटरसाइकिल टीम्स बनाई गई है जो गलियों में भी घूम के सख्ती कर रही है और जैसे आप और देखेंगे अभी मोटरसाइकिल जो पार्टीज हैं वो और सख्ती करेंगे। ठीक है।